गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। एक उदाहरण से समझते हैं। एक व्यक्ति है जो व्यापार करता है, ईमानदारी से करता है, अपनी जिम्मेदारी को समय से पूर्ण करता है और अच्छी गुणवत्ता के उत्पाद प्रस्तुत करता है, और उसे फिर भी लाभ नहीं होता। गीता हमें यहाँ यही सीख देती है कि कर्म कर, फल की चिंता छोड़ दे। वह आदमी भी यही करता है, क्योंकि फल कब मिलेगा, क्या मिलेगा, कितना मिलेगा और क्यों मिलेगा, इसका नियंत्रण आदमी के हाथ में नहीं है। इसलिए जो भी फल मिले वह स्वीकार करता है, चाहे फल हो या ना हो। कर्म करना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि फल आने में समय तो लगता है दोस्त। और इस तरह से यदि हम कर्म करें तो मानसिक तौर पर हर स्थिति का सामना करने के लिए हम सक्षम हैं, और चुनौतियां हमें स्वीकार होती हैं, क्योंकि चुनौतियों से ही आत्मज्ञान बढ़ता है, जो सामर्थ्य बढ़ाने का मौका देती है, और हम मानसिक तौर पर और मजबूत होते हैं।